तो यार यहाँ पर देखो कि मेरे को डीसीएम भाई को वीट करने के लिए ओनली 2 किल चाहिए, 2 किल ओनली उसका डीसीएम भाई हो जाएगा वीट। तो यार क्या ही मजा आएगा, अब देखना आंटी के पेट में गुदगुदी कर देंगे और भाई वीट करके दिखाएंगे। अच्छा तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब। तो वापस से आ चुके एक न्यू वीडियो में और इस टाइम पे मेरा स्कोर देख सकते हो 36,376 है। ओह माय गॉड, वाओ, वेरी डेंजरस। और यहाँ पर हम करेक्ट रैंकिंग की बात करो तो देख सकते हो यार मैं 40 नंबर पे चल रहा हूँ, मतलब यार 3-4 से 5+ मेरा घट गया है, इसीलिए मैं 40 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा हूँ, नहीं तो पहले तो मैं 34 नंबर पे आ चुका था। इसका रीजन बहुत बड़ा है, बाद बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखो कि अभी टाइम पे मैं सोलो खेल रहा हूँ यार, सोलो। तो क्या मैं नाचू? अरे यार नाचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आप लोगों को चलो दिखाता हूँ वेपन ग्लोरी। तो यहाँ पर चलो मैंने क्लिक कर दिया वेपन ग्लोरी पे, तो देख सकते हो ग्रोजा पे इंडिया टॉप 1 पे चल रहा हूँ मैं अभी के टाइम पे। अरे दादा रे, ये का देख लिया रे, हाँ ये तो ग्रोजा टॉप 1 में चल रहा है यार प्लेयर, ऐसा कैसे कर लेते हो यार टॉप 1 कर लिए, क्या सीक्रेट है? देखो यार सीक्रेट कुछ नहीं है, बस मैं 2400 घंटा खेलता हूँ इसीलिए मेरा ग्रोजा टॉप 1 है। तो यहाँ पर देखो यार मैं किलिंग के मामले में टॉप 1 में आ चुका हूँ अभी के टाइम पे। अरे भैया तो गजब हो गया यार, एकदम वॉलंटियर हो गया एकदम, क्या बोले भैया। अरे भाई कुछ मत बोले, यहाँ पर देखो कि अभी टाइम में विनिंग रीजन में टॉप 1 पे चल रहा हूँ एकदम भाई, 920 विनिंग भी कर चुका हूँ। तो गाइस लिटरली सच बता रहा हूँ, मैं इस बंदे का प्रोफाइल देख के भाई फिदा हो गया, एकदम फैन हो गया यार जहर वाला, मन तो करे इस नुबड़े को भी एक दो बाटली जो है दे दूं। तो यार चलो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर टंका सुपर। तो यार यहाँ पर मैं लोबी में देखो इतने नुबड़े बंदे आने के भाई, मैं तो इस गेम में 10 से 15 किल तो आराम से ठोक दूंगा। यहाँ पर देखो कि मतलब 30 आया है मेरे गेम में। अब डर भी लग रहा है मेरे को कि भाई यार कि ये प्रो प्लेयर ना निकले, अगर निकल गया तो यार मेरे को पूरा लोबी का टिकट कटा देगा। अरे डर, अरे नुबड़ा डरने का नहीं भैया, मैं तेरे साथ हूँ, इसको तो मैं पटक के मारूंगा, तुम देखना बस। तो यार चलो फाइनल लग चुका है हमारा नेक्स्ट ट्रैक मैप, आओ मेरे साइड कमेंट्री है बाबू मोर्सा, इसके साथ संवाद करेंगे। अरे भैया साइड कमेंट्री थोड़े फ्रंट कमेंट्री बोलो यार, फ्रंट कमेंटर बोला जाए तो भैया डीसी जो फ्रंट गेट वाला कमेंटर वेरी डेंजरस, आप लोग तो जानते होंगे मेरे को बाबू मोर्सा। अरे भैया तेरे को कोई नहीं जानता, तू साइड में बैठ के कमेंट्री कर बस, यहाँ पर हम पब्लिक को एंटरटेनमेंट करने आए हैं। ओके साइड में कमेंट्री कर लेंगे। तो यार देखा जाए तो यहाँ पर मैं लैंड कर चुका हूँ, और यहाँ पर मैं इसलिए लैंड कर रहा हूँ, देख सकते हो ऊपर के साइड में यहाँ पर 30 क्रिमिनल आ रहा है, और भाई ये जो मेरे को लोबी में मोड दिखाया काटने वाला, तो उसी का मैं बदला लेने के लिए आ रहा हूँ यहाँ। तो फ्रंट में अगर मर गया, फ्रंट में बोलता हूँ यार कि फर्स्ट में मर गया तो मैं यहाँ आराम से रिवाइव हो जाऊंगा, इसलिए मैं इसको मारने के लिए आया। लेकिन यार देखो यहाँ पर बंदे लैंड कर चुके हैं पहले से, अब चलो देखते हैं कि मेरे को गन मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे को एक्विपर्टिशन मिल चुका है, सामने से मेरे को बंदा आता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा फुट पे जा रहा है उसका, शायद आ ही रहा है अंदर। अरे भैया पीछे जाना, सामने गेट से मत आना, नुबड़ा कैंपिंग कर रहा है यहाँ पर। अरे बाबू मोर्सा गद्दारी कर रहे हैं, क्या कर रहा है भाई तू, मतलब बंदे को लोकेशन दे रहा है कि यहाँ पर बैठा है, ऐसा नहीं करना चाहिए यार, अगर मेरे साथ में है तो मेरा साथ में सपोर्ट करके रखना। अरे भैया गलती हो गया यार, मैं सोच रहा था उसको पता नहीं चलेगा इसीलिए मैं बता रहा था। अरे आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार कि सामने एक बंदा नोक पड़ा है, और ये भाई क्रिमिनल बंदा है, मतलब क्रिमिनल बंडल वाला हुई टट्टी। तो चलो इसको यहाँ पर मैं नोक कर दिया और फिनिश भी कर दिया। अब इसको यहाँ पर इमोट दिखाते हैं लोल वाला। अरे भैया लोल नहीं, ग्रैंड मास्टर वाला, ग्रैंड मास्टर वाला, ये भैया ये सही है, ग्रैंड मास्टर वाला एक नंबर। अरे पर भैया देखो यार, अगर आप तुम्हारे पास पावर है ग्रैंड मास्टर वाला तो दिखाओ ग्रैंड मास्टर वाला इमोट, नहीं तो बंदे क्या समझेंगे नुबड़ा। अरे बाबू मोर्सा तुम ठीक कर रहे हो, अगर मैं ग्रैंड मास्टर हूं और इमोट ना दिखाऊं तो मेरा क्या फायदा। चलो यहां पर एक बंदा लैंड किया, इसको बॉडी 2 हेड शॉट मार के भाई फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर सामने वाले घर में शायद बंदा हो सकता है, क्योंकि फाइट हो रहा था तो यहाँ पर एक बंदा का तो बचना जरूरी है। और देखो मेरे को इस वाले घर से तो फुटपेज आ रहा है, शायद इसी वाले घर में बंदा आ चुका है। अब मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा यार, मतलब कोई बंदा क्या करते हैं एकदम सीधा हेड मारते हैं ना, थोड़ा सा संभल करना पड़ेगा। देखो बंदा मेडी मार रहा, लोकेशन आया इसका। देखो यार एक बात बोलूंगा, अगर आप फाल्को की जगह पर ड्रेकी पेड पकड़ो तो बहुत फायदा काम होता है, अगर सामने बंदा मेडी मार रहा है आप उस घर में जा रहे हो तो उसका लोकेशन आपको पता चल जाता है। अब चलो इस बंदे पर डायरेक्ट ट्रस्ट करते हैं, शायद इसको मारते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बंदा इसको मारते हैं, लेकिन यार इसके पास ट्रोगन था, बट यार मेरे को यहाँ पर मार दिया बंदे ने। अरे प्रभु भाई देखो यार, तुमको बंदा मार के टीम अप कर रहा है, लगता है तुम्हारा सब्सक्राइबर हो सकता है। अरे हाँ शायद मेरा सब्सक्राइबर हो सकता है, लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं बंदे ना, वो सब्सक्राइबर नहीं हो सकता, मेरा वेपन ग्लोरी टाइटल देख के मेरे से टीम अप किया होगा। क्योंकि यार देखो कि मैं लोबी में अपना वेपन ग्लोरी टाइटल लगाया था ग्रोजा का इंडिया टॉप 1 का, तो इसीलिए वो बंदा मेरे को उसकी वजह से ही पहचान रहा होगा। तो ऐसे में यार मैं उसको सब्सक्राइबर नहीं बोल सकता, अगर होगा तो बात की बात है, लेकिन यार एक बार तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लैंड किया हूँ। चलो यहाँ पर थोड़ा लूट बनाएंगे, उसके बाद उस बंदे के सामने जाएंगे, शायद क्या पता हो मेरा टीम अप ही कर रहा होगा, मतलब यार बोले तो मेरा सब्सक्राइबर हो सकता है इसीलिए वो टीम अप कर रहा था। यार जल्दी जाओ यार, हम भी देखना चाहते हैं, क्या पता सच में आपका सब्सक्राइबर निकले। पर भाई
चलो यार फाइनली मैं उस सेट से लूट के इस सेट पे आता हूँ, तो यहाँ पर क्या देखता हूँ कि एक बंदा ड्रॉप चार्ज कर रहा है, शायद वही बंदा हो सकता है जिसने मेरे को फर्स्ट में मारा था। अब यहाँ पर देखो कि सीन ऐसा है कि सामने वाला बंदा ड्रॉप चार्ज कर लिया और यहाँ पर देखने को बनता है कि एक बंदा उस बंदे से फाइट करने के लिए आ रहा, और देखो मैं भी जा रहा हूँ फाइट करने के लिए। अब यार देखो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी वाली बात हो गई कि मैं उन बंदों का थर्ड पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ, अब उनमें से एक बंदा मरेगा तो मैं एक बंदे को आराम से किल कर दूंगा। चलो यहाँ पर एक बंदा मर चुका है, मैं इसको मारूंगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक बंदा एक गोली का बच गया, शायद लग रहा है अपने आप को ग्लूवल से पैक कर लिया, और यहाँ पर देखो पैक भी कर लिया है, तो मैं इस पे एक ग्रेनेड डालूंगा। मेरे पास एक ग्रेनेड एक लैंड माइन है, तो मैं सामने एक लैंड माइन लगाऊ और चलो एक ग्रेनेड डालते हैं, क्या पता है बंदा ग्रेनेड से मर जाए मेरे। लेकिन यहाँ पर तो बंदा ग्लूवल से बाहर आ गया, चलो ग्रेनेड डाला हूँ, ग्रेनेड फटना चाहिए, तो यहाँ पर 85 का फटा है और भाई इसको मारेंगे। चलो अच्छा खासा डैमेज है, इस पर रश करेंगे सीधा। लेकिन सच बोलूं तो ये वाला बंदा बहुत तगड़ा लग रहा है, देखो कैसे मतलब फायर कर रहा है उसके बाद ग्लूवल लगा रहा है। शायद इस बंदे से मेरे को डायरेक्ट फाइट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग रेंज बनाना चाहिए, शायद यहाँ पर लॉन्ग रेंज वाला गन मिल जाए मेरे को। अरे फट्टू डर क्यों रहा है, जाना तेरे पास डबल विक्टर है, पूरा भर देना विक्टर का यार। अरे भाई यार देखो यहाँ पर बात ऐसी कि उसके बाद ट्रोगन है, अगर मैं शॉर्टर में जाऊँ तो ट्रोगन का 2 से 3 गोली चलेगा, उसके बाद मैं पूरा एलिमिनेट हो जाऊंगा यहाँ पे। तो यार यहाँ पर बोलूं तो ट्रोगन वर्सेस विक्टर में भाई ट्रोगन ही जीतेगा यहाँ पे। अरे भाई टीम अप कर दो मुझे, टीम अप। अरे भाई यार इसे टीम अप कर ले, टीम अप। इस बंदा भी टीम अप कर रहा है सामने, देखो जाओ 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 टीम अप कर लो। तो यार देखो फाइनली इस बंदे ने मेरे से टीम अप भी कर लिया, अब भाई देखते हैं ट्रस्टेड बंदा है नहीं। लेकिन यार यहाँ पर देखो मेरे को ग्रोजा एक्स दे दिया यार, शायद लग रहा है बंदा मेरे को ग्रोजा टॉप 1 से ही पहचान गया, इसलिए ना भाई मतलब ग्रोजा एक्स मेरे को दे दिया यार, क्या खतरनाक बंदा है, मजा आया गया। अब गाइस यार देखो ग्रोजा की चलेगी ढाई 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 और बंडो की फटेगी साई साई साई, बहुत मजा आएगा। अरे बामोस यार तू बच्चा है यार, कभी सुधरेगा नहीं भाई, क्या बच्चे वाली बात ही करते रहता है दिन भर, कभी टू नू नू कभी नू नू नू, क्या भाई ये सब क्या है यार, अच्छा बोलो यार कुछ वीडियो में। अरे भाई यार टीसी ने टीम अप वाले बंदे को मार दिया इसके से। अब यार देखो इस वाले घर में एक बंदा है, और अभी मैं देखो कि इसको कैसे एकदम डायरेक्ट एक ग्रोजा का हेडशॉट मारूंगा स्कोप करके। चलो भाई इसका सोनी एक्टिवेट यहाँ पर और बंदे को एलिमिनेट होना है। चलो यार फाइनली बंदा का टिकट कट गया लोबी का। अब तो यार मुझे एसकेएस वाले से बदला भी लेना है, मैं टीम अप किया था उसका। यहाँ पर देखो यार कि लॉन्च पेड लगा है, तो मैं चलूंगा लॉन्च पेड से, और जिससे मैं टीम अप किया था उसका भाई बदला लूंगा जरूर यहाँ पे। चलो यहाँ पर एक बंदा है, इसको यहाँ पर मारेंगे, लेकिन चलो टीम अप करते हैं, क्या टीम अप करेगा, नहीं बंदा भाई टीम अप नहीं करेगा, इसको तो मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कि मैंने एम टेन का पूरा 6 गोली भर दिया, बंदा खत्म। अब यार देखा जाए तो उस साइड वाला बंदा ही मैं जिससे टीम अप किया था उसको मारा था, तो मैं उस बंदे से बदला जरूर लूंगा। लेकिन यार यहाँ पर मैं जितने टाइम मेडिकेट मारा उतना टाइम में तो बंदा भग गया यहाँ से। अब यार यहाँ पर देखो कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जहाँ ग्लूवा लगाया हूँ वहाँ पर एक बंदा आके खड़ा है, और भाई मैं सच बोल रहा हूँ मेरे को सच में लग रहा है कि कोई बंदा जरूर खड़ा है यार यहाँ पर। चलो ग्लूवा फोड़ते हैं, देखते हैं कोई खड़ा या नहीं, अगर खड़ा होगा तो भाई तो मेरा प्रिडिक्ट एकदम सही होगा। चलो यहाँ पर एक ग्लूवा फूट गया, दूसरा ग्लूवा फोड़ेंगे, शायद बंदा यहीं पर हो। तो भाई देखो यार बंदा सच में खड़ा था भाई, और यहाँ पर इसका सोनी एक्टिवेट, बंदे को किल होना चाहिए। चलो यार फाइनली बंदा यहाँ पर मर गया। अब बोलूं तो यार मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसा प्रिडिक्ट कैसे कर सकता हूँ कि सामने बंदा खड़ा है भाई, बोलूं तो यार अनबिलीवेबल, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अब यार यहाँ पर देखें तो नीचे के साइड में फाइट हो रहा है, तो मैं थर्ड पार्टी लेने ट्राई करूंगा। चलो एक बंदे को यहाँ पर तगड़ा डैमेज किया, लेकिन बंदे का किल नहीं आया। आगे की साइड देखो तो यार एक बंदा भी थर्ड पार्टी करने के लिए है, चलो इसको मारेंगे यहाँ पर बंदे को, बहुत तगड़ा डैमेज, इस पे सीधा रश करेंगे, थोड़ा सा भाई रोटेशन काटेंगे ताकि उस वाले बंदे को ना लगे कि भाई मेरे पे कोई रश कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कि बंदा है या फिर यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर ग्लूवल लगा है सामने, शायद बंदा ही है। चलो ग्लूवल बंदा है, इसको मारेंगे। चलो इसको यहाँ बॉडी बॉडी भर दिया सोनी एक्टिवेट और बंदा फिनिश। अब यहाँ पर देखा जाए तो मेरा 7 किल हो चुका है और अभी 5 बंदे अलाइव है। चलो सामने की तरफ देखते हैं कोई बंदा और दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसको लूटेंगे थोड़ा। अब लूट करके मैं पत्थर के साइड में आता हूँ, तो मेरे को सामने एक बंदा दिखाई देता है, मतलब दो बंदे फाइट कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर मैं एक बंदे को मारा, उसको सोनी एक्टिवेट और पूरा फिनिश हो गया। चलो यहाँ पर अब दो ही बंदे बचे हैं इस टाइम पे, तो देखते हैं बंदे कहाँ पे हैं। लेकिन एक बंदा शायद नीचे के साइड में अभी तक है, लेकिन यार यहाँ पर देखो एक बंदा पीछे आके बैठा है मेरे। अगर यार इस वाले बंदे को मैं नहीं देखता तो अभी तो मैं गया था। चलो इसको यहाँ पर मारेंगे, तो इसको देखो एकदम हेड लगा और बॉडी टू किल आ गया। लेकिन यार एक बात बोलूं तो इस वाले बंदे को अगर मैं नहीं देखता और सामने वाले बंदे से फाइट करते रहता तो ये बंदा आराम से मेरा थर्ड पार्टी कर लेता। अब चलो यार देखो लास्ट वाला बंदा ही बचा है और वो जस्ट मेरे सामने है, तो यार इस वाले बंदे को चलो मारेंगे और सीधा मेरा यहाँ पर बुआ हो जाएगा। लेकिन यार सामने वाला बंदा मेरे को थोड़ा तगड़ा लग रहा है, यहाँ पर देखो ग्रेनेड कुक कर रहा है। चलो यहाँ पर बंदा खुले में, तो इसको यहाँ पर गजब तरीके से हेड लगा है, बहुत डैमेज है बंदा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप किया हूँ क्योंकि यार इस बंदे से बहुत तगड़ा फाइट हुआ है, मतलब बहुत टाइम से फाइट हो रहा था तो आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा वीडियो को कट कर दिया है। तो देखो सामने बंदा, इसको ट्रोगन से मारेंगे। अब यार यहाँ पर बोलूं तो बंदा बहुत ही चला के, क्योंकि यार ये बंदा मेरे को 1.5 मिनट से यहाँ पर घुमा रहा है इधर उधर।
अब यार बहुत हो गया, इसको सीधा रस करके ही मारेंगे। यहाँ पर मैं लॉन्चर छोड़ रहा हूँ ट्रोगन का, तो देखो यार एक ही लॉन्चर मर गया। और भाई ये मतलब बंदा भाई बहुत सही था यार, राम भक्त लिख के रखा था। मतलब यार यहाँ पर बोलू तो जो राम भक्त है भाई वो एकदम खतरनाक तो होगा ही। तो यार एक बार कमेंट में जरूर लिखना जय श्री राम। अब चलो यार आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय इंग्लिश में।